कहानियाँ और मैं बनाने जा रहे हैं अगेन कुछ अपनी रेसिपीज वगैरह, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो तो याद ही होगी जिसमें हमने कलेजी का बुरा हाल कर दिया था, लेकिन वो एट दी एंड खा तो ली गई थी, लेकिन वो उस टाइप की नहीं बनी थी जिस टाइप की बनती है। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी, क्योंकि आज हमारा जो गोल है वो हमने बनाना है अचार कोश या कढ़ाई, मतलब इनको मिला के हमने कुछ बना देना है। ठीक है, ऐसा बन जाए जो खा लिया जाए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने और बस इस टाइप का बनाना है कि अच्छा लगे सबको। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या बनता है, कैसे बनता है, और वैसे उम्मीद है कि अच्छा बन जाएगा। रेसिपी हम किसी की फॉलो नहीं करते, हम अपनी रेसिपी ही चलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसा बनता है। वो वाली जो वीडियो थी ना कलेजी वाली, उस टाइप का तो उम्मीद करते हैं नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या कारनामे हम लोग करते हैं किचन में। लस्सी, और हाँ, अगर तो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह के डेली व्लॉग्स आपको मिलते रहे। तो जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बहुत इजी होने वाली है। सबसे पहले ले लेना है आपने अचार गोश्त का मसाला शान का, देन ले लेना है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। देन आपने दही में चिकन को आपने मैरिनेट कर देना है। दही है इसके अंदर, अचार गोश्त का मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और आपने अच्छे तरीके से तमाम मीट को इसके अंदर मैरिनेट कर देना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, जितना कम उतना टेस्ट नॉर्मल। अब हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे, अभी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होगा। फ्रीज़र में नहीं रखना आप लोगों ने, फ्रिज में रखना है। ठीक है, आराम से रख दीजिएगा, बिल्कुल आधे घंटे के लिए, बिल्कुल भूल जाएं इसको। अब जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, नानी ने कहा कि चलो मैं रोटियां पका लेती हूँ। और नानी के रोटी पकाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका तवा भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब ये ऐसा है कि ये गोल है, गंजा टाइप का लगता है थोड़ा। अच्छा, हर किसी की चॉइस ना मैंने डिफरेंट देखी है, यानी कि किसी को रोटी पसंद होती है, किसी को चावल पसंद होते हैं, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी लोग देखे ना उनको चावल ही पसंद होते हैं। पता नहीं ऐसी क्या ऑब्सेशन है हमारी चावल से कि हमारा चावल के बगैर गुजारा नहीं होता। और अब तो कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन हो गई है, समाज से बाहर वाली एडिक्शन हो गई है। लेकिन इंसान को अपना दिल मारना नहीं चाहिए, जिसका जो दिल करता है वो खाए। आगे नानी इतनी दुख भरी स्टोरी सुनाएंगे कि जिसको सुन के मैं खुद हैरान रह गई थी। आप लोग भी सुने, हैरत है मुझे लोगों पर। मैंने बताया था यानी कि मैं उसकी सौतेली अम्मी थी ना, 6 साल की थी, तो मुझसे रोटी पकवाती है 6 साल की। हाँ, कहनी है जब टेबल पर खाना खाते थे उससे कहती है पहले इसको खाओ फिर दूसरी रोटी करो। अभी अम्मी को? हाँ, नहीं नहीं सौतेली। अच्छा। हाँ, वो रोटी टेढ़ी मेढ़ी जैसे होती थी या कच्ची है ना, तो कहती मेरे हाथ पे बेलन से मारती थी। मैंने कभी ना उससे पूछा होगा, मुझे तो याद नहीं आज तक कि तुम्हारे यहाँ की उंगली ना ऐसी टेढ़ी क्यों, देखो ऐसे ऐसे थी ना। मैंने तुम्हारे हाथ की उंगली टेढ़ी क्यों है, मोवानी ऐसी ही है ऐसी बनाई है अल्लाह ने। उन्होंने कहा हाँ चलो। अब वो सालों पुरानी बात, हम तो हमें तो याद ही नहीं। एक दफ़ा आई ना तो फिर बताया था, कहने मोवानी आपने एक दफ़ा कहा था ना, पूछा था कि तुम्हारे हाथ की उंगलियाँ टेढ़ी क्यों है। फिर उसने बताया कि मैं 6 साल की थी तो मुझसे रोटी पकवाती थी, कोई टेढ़ी रोटी हो जाती थी या किनारे कच्चे हैं तो मेरे हाथ से बेदन से मारती थी, कटिंग करके एक तरफ रख देती थी। जब खाना खाते थे कहती थी पहले इसे खाओ फिर दूसरी रोटी दो। मुझे हैरत होती है ऐसी स्टोरी सुन के। और हम इस दुनिया से वैसे इससे बुरी उम्मीद ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का एहसास नहीं करता। हमें जो करना है खुद ही करना है। ठीक है, तो फिर हमें फेयरलेस होकर हर चीज़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया है, ठीक है, तो कोई हम पे हुक्मरानी नहीं कर सकता। और एक और बात मैंने सीखी है कि इंसान को अगर सक्सेस चाहिए तो एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, दूसरा तवक्कल। अगर तो हमारा अल्लाह पे तवक्कल होगा तो वो हमें ज़रूर नवाजेगा। और वैसे भी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि तवक्कल रखो, दूसरा कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, उसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली और समोसे भी खा लिए, और फिर चाय वगैरह पी के ऊपर आ गए थे थोड़ी देर के लिए। और इतना खूबसूरत यहाँ पर सनसेट हुआ नहीं था, होने वाला था बहुत ही, बट प्यारा लग रहा है आसमान, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ना मेरी बहन इस गाय के जकूजी में झाड़ू मार रही है, जकूजी। कैसी लग रही गाय, इसमें स्विमिंग करती थी। ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अभी, इसको हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर देंगे। ये ट्रैवल कर पाते छोड़ दो। 1 2 3 ऐसे मत बोलो, ठीक है ना? क्या बोल रही हूँ? A few moments later. इसको हम इसी शेप में काट सकते हैं कि हमें इनको ग्राइंड करने के लिए
तो खैर अब सीरियस होकर रेसिपी की तरफ आ जाएं, ठीक है। देन हमने मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने टोमेटोज को कट कर लेना है, प्याज को काट लेना है और इसको सिंपली तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ग्राइंडर में डाल दो और साथ डाल दो थोड़ा पानी। देन इसको ग्राइंड कर लो, ठीक है। आपका मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। ग्राइंड अच्छे तरीके से करना, उसके अंदर घुटियाँ ना रहें। इस पतीली में हमने ऑयल डाल लिया है, ठीक है। अब हम डाल देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ना, अब इसके अंदर वो डाल देना है। बिस्मिल्लाह। ये जब इसके छींटे वगैरह ख़त्म हो जाए ना, तब जाना है आपने। देन हमने निकाल लेना है आज का अपना हथियार, जो कहे अगेन ये चमचा। वुडन स्पून आर द बेस्ट। आपने अपने मसालों का पिटारा खोल लेना है, मसाले कम ही डालना है इस दफ़ा। अब ये इसका नाम मुझे पता है, धनिया पाउडर के ना हम डाल देंगे। बिल्कुल ग्रेवी की तरह जो जो मसाला हाथ में आएगा ना वो डाल दीजिए। मिर्चों का मसाला नहीं डालेंगे, लेकिन आज हम डालेंगे अचार का मसाला, क्योंकि ये है अचारी गोश्त। क्या है? अचारी गोश्त। अचार गोश्त। ये क्या है पता है? राइट है? नहीं, ये गरम मसाला। चमचे ने अंदर ही डूब के खुदकुशी कर ली है। बस काफ़ी डालें हल्दी? हाँ, ये डाल दो थोड़ा। नहीं नहीं डाल दो, थोड़ी सी बहुत डाल दी है तुमने, ये मुझे लग रहा है। मैंने तो कहा था। चलो खैर है, चलो इसको पोशन है ये एक्चुअली। सही। और ना ज़ीरा नहीं भूलना आपने, वो भी लाजमी डाल देना है। यहाँ पर ना हानिया ने एक नया तरीका ईजाद किया है कि अगर आपके हाथ पे हीट लग रही हो ना, तो आपने ऐसे हुडी पहन लेनी है। वो ऐसे नित नए तरीके ईजाद करती रहती है। भाई यहाँ पर ना आग लग गई थी, बहुत मुश्किलों से हमने बुझाई है और अब इसके अंदर हम खाना कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर ऑयल कम था तो हमने ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देना है। अल्लाह का शुक्र है कि फैली नहीं और हमारी पहले ही नज़र पड़ गई इस कैमरे की वजह से, वरना तो शायद नज़र भी ना आती। और आप लोग भी जब भी किचन में काम किया करें तो बहुत ख्याल से किया करें। मेक श्योर कि आपका दुपट्टा वगैरह आग से दूर हो, चूल्हे से दूर हो और साफियाँ वगैरह दूर रखा करें, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ बहुत हाथ से बन जाती हैं। ठीक है, तेज़ वाली हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देनी है। चिकन था वो निकाल लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी टोटली हानिया की है और उसने बड़ा अच्छा तरीका इन्वेंट किया कि इस तरह जो मसाले का टेस्ट होगा वो 10% और बढ़ के आएगा और जो हमने शॉपर ऊपर चढ़ाया है उससे जो टेस्ट है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा। पानी वगैरह तो सूख गया है। ये रेसिपी ना असल में हानिया की है, तो लेट्स सी के कैसा बनता है। वो वैसे बहुत ख़तरनाक किस्म के खाने बनाती है, धुआंधार खाने बनाती है, लेकिन अच्छे बनते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट, ये 2-in-1 है कुछ। वैसे मैंने खुद भी ये यूट्यूब पे ही देखी थी। मैंने कहा है कि भाई हम लोग किसी की रेसिपी नहीं देखते और तुमने यूट्यूब से देख के हमारी परंपरा तोड़ दी। ऐसे ना चिकन टूट जाएगा सारा। अभी कच्चा है, अभी कहाँ टूटेगा, टूट जाता है कच्चा भी। चलो हम इसको बंद करके रख देते। इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। रेसिपी आपके साथ साथ ही बना रहे हैं, आपने ग्रीन चिलीज शुरू में ही डाल देनी है, क्योंकि उससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, रेसिपी कैसी बनेगी कैसी नहीं, लेकिन वैसे लग रहा है कि अच्छी बन जाएगी। उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं भाई। अब हम अरमानों के ऊपर पानी डालेंगे। आपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए ले लेना है कोरिएंडर। जो बिलीव मी दिस इजंट अ जोक। धनिया का कत्ल हो रहा है। वैसे हमें हालात नासाज नहीं लग रहे थे क्योंकि सालन की शक्ल बेहतर थी और जो आपको कंप्लीट वीडियो में आवाज़ें आ रही थी ना पीछे से ठक 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 की, तो वो यही काम हो रहा है। कैबिनेट्स वगैरह लग रहे थे किचन के, तो आपको वही आवाज़ें आ रही थी।
जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए ना तब आपने इसके अंदर डाल देना है धनिया। धनिया को आपने बारीक चॉप करना है। अगर साबुत साबुत पत्ते रखेंगे तो बहुत ही बुरा लगता है देखने में भी और खाने में भी, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है धनिया और चूल्हे को कर देना है बंद। इस तरह से आपका जो सालन है उसको फैला देना है, मतलब धनिया को सॉरी फैला देना है, और इस तरह आपका सालन रेडी है। अब देखते हैं कि ये खाने में कैसा होगा। देखने में तो वैसे ठीक ठीक ही लग रहा है, खाने के बाद ही पता लगेगा कि अब कैसा है। तो चलो राइस को गर्म कर लेते हैं। यस, मैं अचार गोश्त के साथ भी राइस खा सकती हूँ। और यहाँ पर साथ साथ नानी करेले काट रही थी, पता नहीं आज उनका दिल कर रहा था कि वो करेले बनाए, तो ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए, लेकिन अब मैं खाऊंगी कि केक कैसे बनते हैं। मुझे वैसे शौक है क्योंकि मैंने तारीफ़ काफ़ी सुनी है करेलों की कि भरे हुए करेले बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन खाए नहीं। चल, मैं तो काम वाम ही चल रहा है, तो यहाँ पर मेरी नॉन एस्थेटिक सी प्लेट तैयार हो गई है और ये नॉर्मल बनाए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हानिया ने बनाया इसलिए तारीफ खुल के नहीं करनी, लेकिन खैर अच्छा बनाए।